दूसरी चीज ये है कि नेटवर्क बिजनेस को आपको क्यों करना है या वीकेंड बिजनेस को आपको क्यों करना है, क्या जरूरत पड़ गई वीकेंड बिजनेस में? आप अच्छी खासी कोई नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी इन द सेंस कोई तो नौकरी कर रहे होंगे ना जिससे घर का खर्चा चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वीकेंड से पहले आप खाली थे या हमारे उत्पल जी खाली थे या मुकेश जी खाली थे या हमारे इमरान जी खाली थे या और भी जो हमारे साथ लीडर हैं या आप हैं, आप सब खाली थे या बीना शर्मा जी के घर में कोई पैसे का जुगाड़ ही नहीं था, नेटवर्क बिजनेस ही इनको मिला, इसी को इन्होंने किया, इनके घर में किसी भी माध्यम से पैसा नहीं आता था, ऐसा था क्या? नहीं। क्या अजय शर्मा यानी मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, है ना, कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा था, मेरे पास कोई बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था, तो मुझे नेटवर्क बिजनेस मिला और मैंने नेटवर्क बिजनेस को कर लिया, ऐसा था क्या? मैंने भी नौकरी की है किसी टाइम में, नौकरी करने के बाद मैंने बिजनेस भी किया। बीना शर्मा जी के हस्बैंड भी नौकरी करते हैं, उनका बेटा भी नौकरी करता आज की डेट में। इमरान जी खुद का अपना क्लिनिक चलाते हैं, उत्पल जी भी अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, उसके अलावा जितने भी आपकी अप्लायंस के अंदर आते हैं, मुकेश जी अपना काम भी कर रहे हैं, साथ में नेटवर्क बिजनेस भी कर रहे हैं। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन सब लोगों को या तमाम ऐसे लीडर्स को जो नेटवर्क बिजनेस में जुड़े हैं कि वो नेटवर्क बिजनेस के अंदर आके काम कर रहे हैं? इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज जो है ना नेटवर्क बिजनेस के अंदर वो है वाई। अपना वाई क्लियर करना कि आप नेटवर्क बिजनेस एक्चुअल में कर क्यों रहे हैं। जिस दिन ये समझ में आता है उस दिन फिर बहुत बड़ा काम। लोगों को यही नहीं पता कर क्यों रहे, तो इसके लिए सिंपल सा सिद्धांत है, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने नौकरी की है। देखिए नौकरी की कहावत होती है, हमारे डायरेक्ट शैली में बोला जाता है कि भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने दे दूंगी। यानी अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए भूखे कभी नहीं मरेंगे, लेकिन लाइफ में जीवन में तरक्की भी कभी नहीं करेंगे। अभी मैं मीटिंग से पहले फेसबुक जब ऑन कर रहा था तो फेसबुक पे एक ट्रेन आती हुई दिखा रहे थे और उस पे टाइटल डाला हुआ था कि अब ट्रेन गरीबों के लिए नहीं रही है, अब ट्रेन गरीबों के लिए नहीं रही है, क्योंकि जनरल डब्बे जो होते हैं ना वो केवल दो लगाए जाते हैं, बाकी सारे डब्बे रिजर्वेशन पर। अब ये जिसने डाला है उसकी सोच, और जो उसको लाइक कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनकी सोच गरीबी वाली है। सोचना क्या चाहिए यार, ये जो ट्रेन जा रही है इसमें दो डब्बे जनरल के हैं, बाकी सारे डब्बे जो है रिजर्वेशन के हैं, तो मेरे को अपनी सोच ऐसी बनानी चाहिए कि जब इतने सारे लोग रिजर्वेशन के डब्बे में बैठ के जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन हम क्यों पे काम ही नहीं करते। लोग कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो, सरकार को बदलना है, सरकार को हिलाना, कितनी भी सरकारें बदल लो, ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी ने आके ही दो डब्बे लगाए हैं, पहले पूरी की पूरी गाड़ियां जो है 10 साल पहले 15 साल पहले लोकल ही चलती। बैठना आप राजधानी में चाहते हो और आप रिजर्वेशन का पैसा भी नहीं देना चाहते हो तो कैसे काम चलेगा? तो ये पॉसिबल नहीं। उसके लिए लोकल जनरल ट्रेनें चलती हैं जो बहुत टाइम लेती हैं जगह पे पहुंचा, फैसिलिटी भी मैं सारी चाहता हूं लेकिन मैं पैसा भी खर्च करना नहीं चाहता, ठीक है? तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मैं दिल्ली से मुंबई 2 घंटे में पहुंचना चाहता हूं, तो 2 घंटे में कैसे पहुंचोगे? फ्लाइट से पहुंचोगे भाई, फ्लाइट में बैठने के बाद जब आप उड़ते हो तो 2 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाते दिल्ली से, या दिल्ली से पटना जाना 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। एक तरफ पूरी रात जर्नी करनी पड़ती है, एक तरफ 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट जाओ, पटना की फ्लाइट में बैठो और पटना एयरपोर्ट पर उतर जाओ। अब मैं 2 घंटे में जाना भी चाहता हूं और पैसा भी नहीं खर्च करना चाहता हूं, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है? तो ये गरीबी वाली सोच से निकल के बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जो बाकी रिजर्वेशन के डब्बों में बैठे हैं वो इंसान भी दोस्त आपके और हमारे जैसे ही हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे वो रिजर्वेशन करके आराम से किसी भी सफर को तय करते हैं। फर्स्ट एसी में भी आपके जैसे लोग बैठे हैं, सेकंड एसी में भी आपके जैसे लोग बैठे हैं, थर्ड एसी में भी आपके जैसे लोग बैठे हैं, और स्लीपर क्लास में भी आपके जैसे लोग ही बैठे हैं दोस्त, और जनरल क्लास में भी आपके जैसे लोग बैठे हैं। अभी आपको तय करना आपको कौन से वाला जीवन चाहिए। अब मैं 5,000 रुपए की नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं रो रहा हूं कि मुझे जर्नल क्लास के अंदर सफर करना पड़ता है, तो इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है, हमारे माँ बाप का, आपके माँ बाप का दोष नहीं है, किसी दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति का दोष नहीं है दोस्त। इसके अंदर अगर दोष है तो आपका और मेरा। मैं 5,000-10,000 की नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, और बात कर रहा हूं मैं रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन वाले डब्बे में बैठ के मुझे जाना है,
सरकार मेरे लिए भी उसको ओपन करे, कैसे ओपन कर देगी भाई, पॉसिबल नहीं है। तो अच्छी सुख सुविधा आप चाहते हैं तो उसके लिए ये मान के चलिए कि आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत किए वो मिलता नहीं है। तो क्यों क्लियर करना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों जुड़े। तो सबसे पहली चीज जो होती है कि नौकरी से पैसा तो आता है, लेकिन उतना पैसा नहीं आता जिससे आप अपनी इच्छाएं और सपने पूरे कर पाए। अगर आप में से कोई 20,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा है तो 20,000 में सपने तो पूरे नहीं हो सकते ना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो उसके साथ साथ एक साइड में काम होना जरूरी है जिससे आप अपनी इच्छाएं और सपने पूरे कर पाए। एक एक्स्ट्रा इनकम का होना आज की डेट में सबके लिए जरूरी है, और वो एक्स्ट्रा इनकम का काम ही नेटवर्क बिजनेस है। इसलिए शुरुआत में इसको अपनी नौकरी अपने बिजनेस के साथ साथ करना चाहिए। बिजनेस में रिस्क बहुत होता है, आपके हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम नहीं कर पाते, लेकिन नेटवर्क बिजनेस जो है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, ना बराबर इन्वेस्टमेंट से आपका शुरू हो जाता है। आप में से हमारी कंपनी में जुड़ने के लिए या तो किसी ने 1,000 रुपए दिए होंगे, या किसी ने 1,600 रुपए दिए होंगे, या किसी ने 2,000, या किसी ने 2,500 रुपए दिए होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, 1,000 रुपए में, 2,000 रुपए, 1,600 रुपए में, 2,500 रुपए में कौन सा व्यापार शुरू होता है, मुझे बताइए। और वो भी हमें नहीं दिए हैं कि कंपनी को दे दिए हैं, वो कंपनी में जमा हो गए और वही पैसा कंपनी में सब कंपनी सबको बांट रही है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। जो भी अमाउंट आपने दिया है उसके बदले आपको एक हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट दिया गया है, जिस प्रोडक्ट को आप खाएंगे या अपने परिवार को खिलाएंगे उसकी सेहत भी अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया और कंपनी ने आपको कुछ दिया नहीं। और उस पैसे में से एक इनकम को बांटा जा रहा है एक प्लान के अनुसार, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहली एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमें इस बिजनेस को करना चाहिए, शुरुआत एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहिए कि अपने काम के साथ साथ साइड में काम करके थोड़ी बहुत इनकम हम प्राप्त कर पाए, उसके लिए इसकी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे छोटी सी एक एक्स्ट्रा इनकम से जो आपने बिजनेस को शुरू किया है, आने वाले वक्त के अंदर ये बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चला जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति 64 साल की उम्र में 2,00,000 रुपए का चेक ले रहा है नेटवर्क बिजनेस से, कम बता रहा हूं मैं, वैसे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10,00,000 का भी चेक ले रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो उस एज के अंदर 30-30, 40-40 लाख रुपए का भी चेक ले रहे हैं दूसरी कंपनी के अंदर। लेकिन एक 64 साल का व्यक्ति 2,00,000 रुपए महीने की आमदनी को प्राप्त कर रहा है नेटवर्क बिजनेस में, तो एक तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम है उसके लिए। भाई 64 साल की उम्र में ये तो क्लियर है ना, उसके बच्चे बड़े हो चुके होंगे, उसके बच्चे अपना कमा रहे होंगे। अब एक 64 साल के व्यक्ति के अकाउंट में अगर एवरी मंथ डायरेक्ट सेलिंग से 2,00,000 रुपए आ रहा है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी इनकम है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम या एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए आपको नेटवर्क बिजनेस करना चाहिए। दूसरी चीज टाइम फ्रीडम, हमें नहीं मिलता सर नौकरी के अंदर, हमें व्यापार में टाइम फ्रीडम नहीं मिलता, लेकिन आप जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को धीरे 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 करके बिल्ड करते हैं और एक मजबूत टीम आपके साथ बन जाती है, और वो टीम जब सीख जाती है और वो उसमें से बहुत सारे लीडर जब खुद ब खुद अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, वहां से आपके पास टाइम फ्रीडम भी आना शुरू होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, और तीसरी चीज जब आपके पास पैसे भी होंगे और आपको उस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम भी होगा तो खुशियां ऑटोमेटिकली आपके परिवार में आएंगे। और सेहत कैसे अच्छी होगी, सेहत के लिए जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं उस प्रोडक्ट का अपनी इच्छा से इस्तेमाल खुद के ऊपर करना, ये आपकी सेहत को अच्छा करेगा। अभी मैं आपको मीटिंग दे रहा हूं, मेरा सुबह का रूटीन है कि मैं अपना जो डाइबाक्योर का जो पाउडर है उसको पानी में घोल के सुबह सुबह सबसे पहले खाली पेट उठते ही वो मैं पीता हूं जब से वो आया। और अभी इस मीटिंग को शुरू करने से पहले 2 काव कोलोस्ट्रम मैं खा के आपके सामने बैठा हूं। यानी मेरा जो सबसे जरूरी काम है प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, वो मैं करके बैठा हूं अभी। आप में से कितने लोग आज इस मीटिंग के अंदर हैं जो सवेरे मीटिंग में आने से पहले अपना न्यूट्रिशन, अपना सप्लीमेंट जो आपको मिला है, चाहे वो E30 हो, अगर कोई लेडी बैठी है तो वुमेन केयर हो, और अगर या फिर काउ कोलेस्ट्रॉल जो मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद देता हूं अपना जो E30 है, या मैं खाना खाता हूं तो मैं अपनी जेब में रख के लेके जाता हूं या ऑफिस में भी रखा रहता है। तो ऑफिस में कई बार डब्बी रखी जाती है, ध्यान नहीं जाता, लेकिन जेब में रखा रहता है तो बार बार जेब में हाथ जाता है तो तुरंत पता लग जाता है भाई ये खाना है, मैं खा लेता हूं। तो अपना न्यूट्रिशन
खाके अगर आप बैठे हैं तो आपको बिजनेस समझ में आ गया, और न्यूट्रिशन आपने खाके नहीं बैठे हैं या बाद में भी खाएंगे तो भी समझ में आ गया। लेकिन सुबह से लेके शाम तक अगर आप E30 नहीं खा रहे हैं, आप वुमेन केयर नहीं ले रहे हैं या ले रही हैं, आप काउ कोलेस्ट्रॉल नहीं ले रहे हैं, आप डाइबाक्योर नहीं ले रहे हैं अगर आपको शुगर है, तो दोस्त आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आएगा, आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और हमारा उद्देश्य है सबसे पहले आपकी हेल्थ को अच्छा करना, उसके बाद वेल्थ को अच्छा करना। आने वाले टाइम में सरकार के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है ना, वो हेल्थ रिलेटेड इशू आने वाला है, हेल्थ इंडस्ट्री का आने वाला है। बड़ी बड़े देशों की सरकार इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली काम कर रही है। आज से पहले भारत सरकार का जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था, वो चैलेंज ये था कि भाई रोजगार कैसे मिले। लेकिन उसके साथ साथ जो पैरेलली एक बहुत बड़ा जो चैलेंज खड़ा हो रहा है सरकार के सामने, वो है लोगों की हेल्थ अच्छी कैसे की जाए। क्योंकि पहले शुगर जो है ना, एक नौकरी पेशे वाले को आदमी को नहीं होती थी, पहले कहते थे शुगर जो बीमारी होती है ना, ये अमीरों की बीमारी होती है। जिसने बहुत पैसा कमाया होगा, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी की जो शिकायतें होती हैं, ये अमीरों की बीमारी होती है, गरीबों की बीमारी नहीं होती है, शुगर गरीब को नहीं हो सकता। लेकिन आज की डेट में 20,000 रुपए कमाने वाला, 10,000 कमाने वाला, 30,000 कमाने वाले व्यक्ति को भी शुगर है। यानी कि जो हमने एक मिथ पाला हुआ था, ये तो अमीरों को होती है यार, है ना, आज वो धीरे धीरे आपके और हमारे शरीर में, हमारे घरों में घुसना शुरू हो गया। तो आने वाले टाइम में सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हेल्थ लोगों की कैसे अच्छी की जाए। उसके लिए वीकेंड या वीकेंड जैसी कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, जो न्यूट्रिशन लेके आई, जो सप्लीमेंट लेके आई हैं, जो आपको प्रोडक्ट हमने दिए हैं, वो दवाई नहीं है दोस्त, आप इस चीज को समझिए। और यही चीज आपको लोगों को समझाना है, आप और हम जो प्रोडक्ट खा रहे हैं वो दवाई नहीं है, वो उसी तरीके से है कि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और आपको अर्जेंट काम से जाना है, तो आपके पास एक छाता है, आपके पास एक छतरी है, उस छतरी को खोल के उस छतरी की आड़ में आप आराम से अपने सफर को तय कर सकते हैं, आपको भीगेंगे नहीं आप, क्योंकि ऊपर छतरी है, एक प्रोटेक्शन लेके आप चल रहे हैं। तो E30 हो, वुमेन केयर हो, काउ कोलेस्ट्रॉल हो, ओमेगा 3, 6, 7, 9 हो, या फिर डाइबाक्योर हो, इसमें से एक भी मेडिसिन नहीं है, एक भी दवाई नहीं है। अगर इनका आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो दोस्त, बुढ़ापे में जो भी बीमारियां आपको और हमारे शरीर में आएंगी, उन सबसे हम बच सकते हैं, वो बचाव है। बहुत सारे लोग आप में से शायद इसलिए हमारा प्रोडक्ट नहीं खा रहे होंगे रेगुलर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है दवाई है। और आपके साथ जो जुड़ेंगे वो भी ये पूछेंगे कब तक खाना है, तो उनको एजुकेट करना है, उनको समझाना है कि ये मेडिसिन नहीं है, ये दवाई नहीं है। E30 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके और हमारे सेल पे काम करता है। जिस व्यक्ति के सेल मजबूत हैं, उसका शरीर मजबूत है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है। तो E30 तो सबको ही खाना चाहिए ना, E30 जो हमारा प्रोडक्ट है वो सबको खाना चाहिए, क्योंकि आपके सेल को मजबूत करता है, वो सेल पे काम करता है, वो फ्री रेडिकल्स पे काम करता है। जब E30 को आप खाएंगे तो आपके शरीर में कभी कैंसर सेल बनेंगे नहीं। और अभी कुछ कैंसर सेल जो हमारे बन जाते हैं, सबके, आपकी और हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में कैंसर सेल ऑलरेडी होती है। उनको पावर कब मिलती है, जब आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं खाते हैं। जब आप एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो एक्चुअल में कैंसर सेल में ही तब्दील हो जाते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और वो जब गुच्छे बनते हैं वही कैंसर है, और फ्री रेडिकल्स आपकी और हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। तो उनको तोड़ने का, उनको अलग करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। जब आप एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर अपने डाइट लेते हैं तो वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो एक जगह इकट्ठे नहीं होते, उनकी ताकत कम हो जाती है, और हमारे सेल मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट सेल को मजबूत करने का काम करता है। फ्री रेडिकल्स जो जो सेल को खा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन खा जाता है, उसको डोनेट करने का काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट हम सभी के लिए है वो है एंटीऑक्सीडेंट E30। जो रेगुलर खाना है, अगर वो आप खाते हो तो आपकी और हमारी बॉडी के सेल मजबूत रहेंगे, और सेल अगर मजबूत है, कहते हैं ना मकान की अगर एक ईंट खिसकनी शुरू हो जाए, धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग खिसक जाती है। तो एक सेल डैमेज हुआ, दूसरा सेल डैमेज होगा, फिर तीसरा सेल डैमेज होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब बीमारी हो गई। आप डॉक्टर के जाओगे, आप डॉक्टर तो दवाई लिखेगा, भाई ये दवाई खा, क्योंकि वो भी भैया एक प्रोफेशन करके बैठा है, पैसा लगा के बैठा है, उसको भी पैसा कमाना है। तो सही क्या है, बीमार ही क्यों पड़े, तो एंटीऑक्सीडेंट खाइए। वुमेन केयर क्यों खिलाना है अपने घर की महिलाओं को, क्योंकि उनके शरीर में कोई बीमारियां ना हो,
एक आदमी 20-30 हजार रुपए महीना कमा रहा है, शरीर में एक बीमारी लग गई, उसके इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया, पैसा भी नहीं हमारे पास, सरकारी हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। अभी बीना जी का बेटा बता रहा था, उनके नीचे गार्ड रहता है ना, उसके पेट में पथरी हो गई, 3-4 जगह से दवाई ले चुका है, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा है। एक तो बेचारा गार्ड की नौकरी कर रहा है, उसके ऊपर बीमारी और हो गई उसको, तो अब वो लोकली इलाज कराता रहेगा ना, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन कराना या अच्छी दवाइयां लेना तो उसके बस की है नहीं बेचारे के, क्योंकि उसने अपने आप में अपने ऐसा कोई काम ही नहीं चुना जहां से उसको पैसा है। तो आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जो चैलेंज आपके और हमारे सामने, सरकार के सामने आने वाला है, वो ये कि हेल्थ को कैसे अच्छा किया जाए, अपने देश की लोगों की हेल्थ को कैसे अच्छा किया जाए। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, आप वीकेंड का प्रोडक्ट लेने के बाद, उसको खाने के बाद, सरकार की भी टेंशन खत्म कर रहे हैं, अपने परिवार की भी टेंशन खत्म कर रहे हैं। आपके परिवार में जो जो वीकेंड का न्यूट्रिशन खा रहा है वो हेल्दी रहेगा, ध्यान रखें। कई बार छोटी मोटी बीमारी आपको और हमें हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, क्या पता वो बहुत बड़ी बीमारी होने वाली थी, न्यूट्रिशन की वजह से आप और हम बचे हुए। मैं तो यही मानता हूं हमेशा से, और मैंने कई बार बताया है, मैं इससे पहले जो कंपनी करता था उसमें भी न्यूट्रिशन था, और उससे पहले जो कंपनी करता था उसमें भी न्यूट्रिशन, और मैं उस कंपनी का भी न्यूट्रिशन खाता था, फिर दूसरी कंपनी में आया उसका भी न्यूट्रिशन खाता था, और अब अपनी कंपनी का रेगुलर न्यूट्रिशन खाता हूं। और पिछले कई सालों से मैंने डॉक्टर की, मैंने हॉस्पिटल की, नर्सिंग होम की शक्ल ही नहीं देखी है। हाँ, किसी दूसरे को देखने के लिए गया हूं वो एक अलग बात है, आते जाते नजर पड़ गई अलग बात है, लेकिन अपने स्वयं के इलाज के लिए मुझे और मेरे परिवार को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, नर्सिंग होम नहीं जाना पड़ता, उल्टी सीधी दवाइयां नहीं खानी पड़ती। हाँ, कभी कभार पेन हो गया बहुत ज्यादा, सुबह से लेकर शाम तक अलग काम कर लिया, बहुत लंबा सफर कर लिया जो अचानक हो गया, उसमें कोई थकान हो गई, कोई चीज हो गई छोटी मोटी, वो अलग बात है, खांसी जुकाम जो मौसमी होती है अलग चीज होती है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी जिसकी रेगुलर दवाई खानी पड़ रही है वो काम नहीं हुआ, क्योंकि हम अपनी कंपनी का न्यूट्रिशन खा। तो ये प्रोडक्ट जो है ये, इसको डेली इस्तेमाल करना, यही बिजनेस है। मीटिंग में आना और सीखना, यही बिजनेस है। मेरे को बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का होता है, आप अपने बच्चे को भाई साहब अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन कराते हो, अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन कराते हो, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके उसकी फीस का इंतजाम करते हो, उसकी यूनिफॉर्म का इंतजाम करते हो, उसके लिए बुक्स का इंतजाम करते हो, उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको साइकिल भी लाके देते हो स्कूल में जाने के लिए, उसको कॉलेज में जाने के लिए मोटरसाइकिल भी लाके देते हो, है ना, उसको अच्छा सा मोबाइल भी देते हो, लैपटॉप भी देते हैं आजकल तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक जमाना आ चुका है, ठीक है ना। इतना पैसा आप खर्च करते हो किस लिए, कि वो बड़ा होके उसकी एक अच्छी नौकरी लग जाए और उसकी जिंदगी सेट हो जाए, ये जानते हुए भी कि आपकी और हमारी जिंदगी सेट नहीं हुई है, फिर भी हम लगे हुए उसी चीज, फिर भी हम उसी चीज में लगे हुए, ये जानते हुए भी कि नौकरियां नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाना बंद कर दीजिए बच्चे को, पढ़ाइए, पढ़ता तो धीरू भाई अंबानी का बच्चा भी है, लेकिन धीरू भाई अंबानी का बच्चा नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ता, पढ़ाई तो तेंदुलकर के बेटे ने भी की होगी, लेकिन तेंदुलकर का बेटा नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ा, पढ़ाई तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे भी करते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो नौकरी करने के लिए पढ़ाई नहीं करते। इस चीज को, इस बेसिक्स वर्क को आपको समझ, तो मीटिंग ट्रेनिंग में आके जब आप बैठते हैं तो यहाँ पे भी क्लासेज होती हैं, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे करना है। तो दूसरी चीज जो आपको करनी है, खुद भी मीटिंग में हमेशा उपस्थित रहना है और अपने साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मीटिंग के अंदर लेके आना है, तब आपकी टीम सीख पाएगी, एजुकेट हो पाएगी, जो खुद एजुकेट होगा, जिसकी टीम एजुकेट होगी, उसका बिजनेस बहुत बड़ा। तो मीटिंग ट्रेनिंग में आना है, सबसे पहले तो अपना माइंडसेट करना है कि कोई नेगेटिव ना करे आपको डायरेक्शन। दूसरी चीज, ये बिजनेस क्यों करना है, साइड इनकम के लिए करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना है, टाइम फ्रीडम के लिए करना है, कि आने वाले वक्त में उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम भी आपके पास हो, अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाने के लिए करना, क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में आप जुड़ते हैं, यहाँ पे आप काम करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, तो कुछ सालों के बाद आप स्टेज पे बोलना शुरू कर देते हैं, 10-20-50 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि जब आपको कोई ना करता है और उस ना को सुनने के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका फियर खत्म हो रहा है।
बिजनेस जब डाउन जाता है तब भी आप खड़े रहते हैं, तो चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कोई छोटी बड़ी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस डाउन जाता है सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में ये छोटे छोटे जो चैलेंजेस आते हैं, 10 लोग जुड़े वो बैठ गए, तो ये क्या हो गया, अब वो बैठ गए फिर भी आप काम कर रहे हैं, तो ये क्या छोटी सी ताकत दे रहा है। जैसे आप जिम में जाते हैं ना, पहले दिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, पहले दिन बॉडी थोड़ी बन जाती है, लेकिन रेगुलर जब आप करते हैं फिर बॉडी बन जाती है। तो ये जो छोटे छोटे से आप और हम चैलेंज उठाते हैं ना इस बिजनेस में, कभी कोई मना कर रहा है, कभी कोई मजाक उड़ा रहा है ना, कभी कोई आपको ताना मार रहा है, कभी कोई आपकी टीम से छोड़ के चला गया, ये छोटे छोटे जो चैलेंज आ रहे हैं, ये छोटे छोटे चैलेंज आपको धीरे धीरे इतना मजबूत कर देंगे कि आपके जीवन में कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, सामने वाला कहेगा यार इतना बड़ी दिक्कत आ गई, इतना बड़ा चैलेंज आ गया, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो आप छोटा 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 चैलेंज उठा के आज इतने मजबूत हो चुके हो कि आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई बड़ा चैलेंज आता है उसका असर आपके दिमाग पर नहीं। ये जिस दिन जो सीख जाता है वो जीवन जीना सीख जाता है, वरना तो छोटी सी परेशानी होती है आदमी पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है। आप देखिए एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब आएगा ना, उसको दो लोग मना कर देंगे, परेशान हो जाए, लेकिन आप में से कई साथियों को मना करते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती, आपको मालूम मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैं जब भी प्लान दिखाता हूँ किसी को, वो मना कर देता है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन शुरू में होती थी, क्योंकि अब मेरा माइंडसेट उस चैलेंज को उठाने के लिए तैयार हो गया है। ये चीज यहां से पावर मिली है सर। पहले बोलना नहीं आता था, पहले किसी को प्लान दिखाना नहीं आता था, डर लगता था, अपलाइन का सहयोग लेते। आज 1000 लोगों को बैठा दीजिए, 1,00,000 लोगों को बैठा दीजिए, हम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार कर सकते हैं। ये छोटी बात है, स्टेज पे खड़े होके बोलना ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को नहीं आता सर, पैर कांपते हैं स्टेज पे खड़े होते, भी इतने लोगों के बीच में मैं नहीं बोल सकता हूं। अगर ये आपने सीख लिया तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती। तो पहला ये समझना कि नेटवर्क बिजनेस गलत नहीं है, इसको आप एक्सेप्ट करें सबसे पहले, अपने आप को खड़ा करें। दूसरा, क्यों करना है इस बिजनेस, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी। आने वाले वक्त में भगवान ना करे आप एक बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर रहे हो और आपको कुछ हो जाए, कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, तो ये वाला बिजनेस तो स्टिल खड़ा है ना सर, इसमें तो टीम वर्क काम हो रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, उसने 4-5 साल मेहनत की, और वो जैसे आज उन्हीं की बात कर लेता हूँ जिनको 2,00,000 रुपये महीने का चेक आ रहा है, जिस व्यक्ति को भगवान ना करे अगर उसको आज कुछ हो जाए, तो उनके नीचे काम करने वाले लोग तो जिंदा है ना सर। उस टीम में कोई 1,00,000 भी कमा रहा होगा, कोई 1,50,000 भी कमा रहा होगा, कोई 75,000 भी कमा रहा होगा, कोई 50,000 भी कमा रहा होगा, कोई 25,000 भी कमा रहा होगा, कोई 10,000 भी कमा रहा होगा, कोई 5,000 कमा रहा होगा, कोई अभी अभी जुड़ा होगा मेरी तरह, इसका विजन बहुत बड़ा है, मुझे समझ में आ गया बिजनेस। अब एक पर्टिकुलर हमारा अपलाइन चला गया दुनिया से, तो 1,50,000 वाला थोड़े छोड़ देगा सर। 1,50,000 जो कमा रहा है वो तो मेहनत करेगा ना, दूसरी साइड में अगर कोई 1,00,000 कमाने वाला वो थोड़ी छोड़ देगा, 75,000 कमाने वाला वो नहीं छोड़ेगा, वो तो आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो आज वो इंसान अगर दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, तो नीचे की टीम तो जो खड़ी हुई है उस टीम से पैसा आता रहेगा, और उस टीम से जो पैसा आ रहा है वो पैसा उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को ट्रांसफर। इसीलिए कहते हैं ये बिजनेस सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन को ट्रांसफर होता है, आपकी नौकरी नहीं हो सकती, और एक टाइम के बाद आपकी स्किल से नहीं चलता, आपके नीचे आपसे बेहतर स्किल वाले लोग आ जाते हैं, उनसे बिजनेस बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज है इसको कैसे करना है, तीसरी जो अहम चीज है जिसपे मैं 10 मिनट 15 मिनट चर्चा करूंगा, वो है कैसे करना है।